मेरा जन्म मद्रास के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। मेरे पिता जैनुल अब्दीन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड फादर थे। मैंने उन्हें बचपन से ही नमाज के लिए मस्जिद में जाते देखा था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उनसे मस्जिद में नमाज पढ़कर दुआ मांगने के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि जब आप दुआ मांगते हैं तो आप अपने आप को उस एक शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं जो आपको बिना आपकी हैसियत, रंग रूप और धर्म को जानते हुए आपकी हेल्प करता है। हम सभी के मन में एक भगवान बसते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। परेशानियां हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। ये सच्चाई और सेल्फ डिसिप्लिन मुझे मेरे पिताजी से मिला। मेरी माँ आशी अम्मा ने मुझे अच्छाई, नरमी और भोलेपन में जो भरोसा होता है वो सिखाया। इनके बाद जलालुद्दीन और शमसुद्दीन, ये दो मेरे बचपन के वो दो मजबूत पिलर्स थे जिन्होंने हर कदम पर मेरी हेल्प की। अहमद जलालुद्दीन हमारे एक रिलेटिव थे। वो मुझसे 15 साल बड़े थे और जब भी हम बात करते थे तो वो मुझे दुनिया के बारे में नई नई बातें बताया करते थे। मेडिकल साइंस, लिटरेचर, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में जानकारी देते रहते थे और मुझे नई किताबें पढ़ने के लिए इनकरेज भी करते थे, इसलिए मुझे उनकी कंपनी काफी पसंद थी। शमसुद्दीन हमारे पहले कजन थे। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटने का काम करते थे। उस समय मुझे पढ़ना तो इतना आता नहीं था, तो शमसुद्दीन मुझे उन न्यूज़पेपर्स को बांटने से पहले उन पर बनी फोटोज को देखने को कहते। वो मुझे करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रखते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकती थी, तब शमसुद्दीन के सप्लायर को सारे न्यूज़पेपर्स चलती ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन पर फेंकने पड़ते। उस समय शमसुद्दीन को स्टेशन पर सारे न्यूज़पेपर समेटने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी। तब मैंने उनकी हेल्प की और इन रिटर्न उन्होंने मुझे सैलरी भी दी थी। मैं उस समय तक तकरीबन 8 साल का था। ये बात मेरे बचपन की बेस्ट मेमोरी है क्योंकि इसमें मैंने अपनी मेहनत से पहली कमाई हासिल की थी। रामानाधा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानाधा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत पक्की थी। मैंने 15 साल की उम्र में रामेश्वरम छोड़ा और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम पहुंचा। वहां पर मेरे एक टीचर इयादुरई सोलोमन से मैंने काफी कुछ सीखा। हमारी चाह, भरोसा और एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों चीजें हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं से हम अपनी हर जंग जीत सकते हैं। अपना BSc पूरा करने के बाद मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। वहां एंट्रेंस पर एक एयरक्राफ्ट का डेमो रखा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी हुई कि किस तरह इंसान इसकी हेल्प से खुले आसमान में एक बर्ड की तरह अपने पंख फैलाकर उड़ सकता है। बस तभी मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला ले लिया था। मुझे यकीन है कि मेरी जर्नी आपके सपनों को उकसा रही होगी और आपकी हिम्मत बढ़ा रही होगी। अगले एपिसोड में मैं आपको अपने इन्वेंशंस के बारे में आपको बताऊंगा। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैंने बैंगलोर से अपनी ट्रेनिंग की। उस समय मुझे जॉब के लिए 2 जगह से ऑफर थे। पहला देहरादून से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए और दूसरा दिल्ली से DTDNP से साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मेरा ज्यादा मन इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने में था, लेकिन हुआ यह कि मैं उसके इंटरव्यू में 9th पोजीशन पर सेलेक्ट हुआ और सिलेक्शन सिर्फ 8 कैंडिडेट्स का ही फाइनल होता था। मेरा दिल काफी टूट गया। जब मैं देहरादून से ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा था तब वहां एक स्वामी जी से मिला। उन्होंने मुझे समझाया कि हो सकता है किस्मत तुम्हें एयरफोर्स पायलट बनाना ही नहीं चाहती हो सकता है तुम्हारे लिए डेस्टिनी ने कुछ और बेहतर लिखा हो। खुद पर विश्वास रखो आजाद। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं दिल्ली वापस आया और मेरा सिलेक्शन DTDNP में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन पर 250 रुपए पर मंथ की सैलरी पर हो गया था। वहां 3 साल काम करने के बाद मुझे एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। बैंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में मेरी पोस्टिंग की गई। वहां मेरी टीम को एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ। हमें एक होवरक्राफ्ट बनाना था। जी हाँ, होवरक्राफ्ट, ये एक तरह की नाव होती है जो एयर ट्यूब के सहारे जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। अब ये टर्म मेरे और मेरी टीम दोनों के लिए थोड़ा नया था। हम में से किसी को भी ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, न ही हमारे पास कोई डिजाइन्स थे जिससे हमें कुछ आइडिया मिल सके। हमसे जितना हो सका हमने होवरक्राफ्ट्स के बारे में रिसर्च की और हमारे सीनियर्स से भी नॉलेज लेने की कोशिश की, लेकिन उस नॉलेज से हम सेटिस्फाइड नहीं थे। एक दिन मैंने अपने मन में ठान लिया
कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज हैं इनसे हमें एक फ्लाइंग मशीन बनानी ही है। बस इस जज्बे ने मेरे दिमाग की सारी खिड़कियों को खोल दिया। मुझे एयरक्राफ्ट और होवरक्राफ्ट में सिमिलैरिटीज नजर आने लगी। बस मानो मुझे मेरी मेन प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया था। मैं अपने एम की तरफ बिना रुके बढ़ता रहा, जबकि मेरे सीनियर्स मेरे काम से खुश नहीं थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम एक इम्पॉसिबल मिशन पर वेस्ट कर रहा था। लेकिन मैं अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर था। देखा जाए तो राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, वो भी 7 साल तक सिर्फ साइकिल्स ही सुधारने का काम करते थे। मैंने अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। 1 साल में हमने अपने होवरक्राफ्ट का 3D मॉडल तैयार कर लिया। डिफेंस मिनिस्टर सर कृष्णा मेनन ने उससे इंप्रेस होकर हमारे होवरक्राफ्ट का नाम नंदी रखा। जब हमारी मशीन फाइनली रेडी हुई तो मैंने खुद कृष्णा मेनन सर को पहली राइड दी। जो कल तक इम्पॉसिबल था वो चीज आज हवा में उड़ रही थी। सभी बहुत खुश थे। फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद हमारे इस प्रोजेक्ट को काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और इसे हॉल्ट पर रख दिया गया। मैं इस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा था और काफी अपसेट हो गया था। थोड़े दिन गुजारने के बाद डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने मुझे बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर के सामने हमें ये होवरक्राफ्ट रिप्रेजेंट करना है। ये बात सुनते ही होवरक्राफ्ट के साथ मैं भी हवा में उड़ रहा था। TIFR के डायरेक्टर के उस होवरक्राफ्ट पर राइड लेने के कुछ ही दिन बाद मेरे पास इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च मुंबई से रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए कॉल आया। मैं एकदम से काफी शॉक्ड हो गया, लेकिन मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर मैं मुंबई पहुंचा, इंटरव्यू दिया और इनकोस्पार में एक रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। इस तरह से हमारे एक होवरक्राफ्ट ने मुझे आज एक साइंटिफिक असिस्टेंट से रॉकेट इंजीनियर बना दिया। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने फेलियर से मत डरिए। फेलियर्स तो आएंगे ही, लाइफ में बस आपको रुकना नहीं चाहिए, जैसा मेरे साथ हुआ था। अगले एपिसोड में रश